और लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा नेता गायत्री प्रजापति को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेल याचिका खारिज कर दी है। रेप केस में उम्र कैद की काट रहे थे सजा। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं गायत्री प्रजापति। तो बेल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, एक बड़ा झटका लगा है गायत्री प्रजापति को। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में गायत्री प्रजापति समेत उसके 3 साथियों के खिलाफ चित्रकूट की एक नाबालिग लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज कराया था, जिसके बाद सितंबर 2021 में गायत्री प्रजापति को इस मामले में दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गायत्री प्रजापति ने इसी मामले में बीमारी को आधार बताते हुए अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट के सामने लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और मोहम्मद फैज आलम ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गायत्री